तो यहाँ पे मैं जो दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा था कि जब फर्म जो है कंपनी जो है फर्म को क्या करती है, परचेज करती है, तो परचेज करते समय हमारे पास में चॉइस रहती है कि हम जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं। कि जैसे मेरे को कुछ असेट्स पसंद नहीं आए मैं असेट्स को परचेज नहीं करूंगा, कुछ लाइबिलिटीज मुझे पसंद नहीं आए तो उसको परचेज नहीं करूंगा। परचेज करते समय ये होता है, लेकिन मर्जर के टाइम पे ये नहीं होता है। तो दो सिचुएशंस है आपके सामने, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा देगा। पूरा टेकन ओवर वाला है, पूरा टेकन ओवर वाला है इसका मतलब वो पूरा क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। और जब मर्ज नहीं होता है वहां पे परचेज की जो कंडीशन रखी जाती है, ऐसे केस में यहाँ पे हमारे पास में दो पॉइंट है, एक तो है डेटर्स, दूसरा होता है क्रेडिटर्स। तो डेटर्स आपका क्या है, असेट्स है, और क्रेडिटर्स हमारा क्या है, लाइबिलिटीज है। तो कंपनी जो है जब परचेज करती है नाम है सन्स फर्म का बिजनेस, उस केस में कहता है कंपनी कहती है कि हम राम एंड सन्स के डेटर्स और राम एंड सन्स के क्रेडिटर्स को हम परचेज नहीं करना चाहते। क्यों करना नहीं चाहते, इसका भी रीजन है कि डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने उधार माल बेचा है, जिसको हमने उधार माल बेचा है तो उधारी बड़ी है, उधारी हमको मिलने वाली है। तो राम एंड सन्स फर्म ने कुछ ऐसे लोगों को उधार माल बेचा था जो उसके डेटर्स में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या पता राम एंड सन्स के जो डेटर्स हमको पैसा देंगे या नहीं देंगे, ये हमारे अंदर क्या है एक कह सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसके मन में, एस लिमिटेड कंपनी के अच्छे डेटर्स भी हो सकते हैं और बैड डेटर्स भी हो सकते हैं, पूरा बैड डेट्स भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और दूसरा तो राम एंड सन्स फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए गए हैं, हो सकता है उससे ज्यादा क्रेडिटर्स हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कंपनियां फर्म को परचेज करती है तो ये रिस्क लेना नहीं चाहती है कि मैं अगर डेटर्स अगर मैं ले लूं और डेटर्स का पैसा वसूल नहीं हुआ तो, अगर मैं क्रेडिटर्स ले लूं और क्रेडिटर्स से ज्यादा अगर क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए तो। देखिए सीधा सिंपल है, यहाँ पे राम एंड सन्स के पास में कुछ फर्नीचर था, कुछ मशीन थी, कार भी थी, लैंड एंड बिल्डिंग भी थी। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो चीजें हमको दिखती है कि हाँ भाई हमारे पास ये मशीन पड़ी है, मशीन को बेच के हम पैसा वसूल कर देंगे। पर डेटर्स देखे आपको, बोला कि राम एंड सन्स ने बोला कि हमारे पास में 80,000 के डेटर्स है और 30,000 के हमारे पास में क्या है क्रेडिटर्स है। अब वो 80,000 के वसूल होंगे नहीं होंगे इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ये जो 30,000 है, 30,000 से ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करती है कंपनियां कि डेटर्स और क्रेडिटर्स को टेकन ओवर करती नहीं है, खरीदती नहीं है। और जब वो खरीदेगी नहीं उस केस में उनको ना तो पैसा मिलेगा और ना ही उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटर्स क्रेडिटर्स को परचेज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि राम एंड सन जो है ये फर्म, इसमें पूरी की पूरी फर्म को एक्स लिमिटेड को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ऐसे केस में इसका जो स्वामित्व है वो तो हो जाएगा खत्म। अब इसको इस तरह से लो कि एक भाई यहाँ पे एक बिजनेस प्रोमाइस बना दिया, एक क्या बनाया बिजनेस प्रोमाइस, जिसमें यहाँ पे राम एंड सन्स का क्या है फर्म बना हुआ है। अब इस फर्म का एक एड्रेस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है, और एड्रेस पे क्या होता है एक पर्टिकुलर मैंने एरिया बता दिया, एड्रेस को तो स्पेसिफिक नहीं लगे बट कुछ एरिया बता दिया कि इस एरिया में यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। अभी बिजनेस के बाहर बोर्ड लगा था पहले राम एंड सन्स फर्म का, अभी बोर्ड किसका लगा दिया उन्होंने, एक्स लिमिटेड कंपनी का। अब ऐसे केस में क्या हो, ये तो हो गया बंद। और ऐसे केस में जो डेटर्स थे जिनको पैसा देना था वो कहीं बोला राम एंड सन्स तो है नहीं, किसको पैसा देंगे। तो ऐसे केस में राम एंड सन्स को पर्सनल लॉस हो सकता है। तो राम एंड सन्स क्या करता है, एक्स लिमिटेड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है। तो एग्रीमेंट ये करता है और कहता है कि एक्स लिमिटेड कंपनी को एक काम कीजिए, आपने हमारे डेटर्स नहीं लिए और आपने हमारे क्रेडिटर्स नहीं लिए, कोई बात नहीं, बट आप इतना काम जरूर करें कि हमारे डेटर्स से पैसा वसूल करने का काम करें और क्रेडिटर्स को पैसा देने का काम करें। आपको हम इतनी अथॉरिटी देते हैं कि जितना पैसा वसूल होगा उसमें से आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, आपकी जेब से पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और ये काम करने के लिए राम एंड सन्स ने एक्स लिमिटेड को कहा कि हम आपको 13% का क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स लिमिटेड को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा वो पैसा पे करना है और जो पैसा बचेगा उसमें से अपना कमीशन चार्ज करना है, बाकी बचा हुआ पैसा राम लिमिटेड राम एंड सन्स को दे दे रहा है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि सपोज मानिए कि डेटर्स जो है 80,000 के थे, उसमें से केवल 53,000 के डेटर्स वसूल हुए, क्रेडिटर्स तो थे 30,000 के, उसमें से लोगों ने पैसे मांग लिए 35,000 रुपए, ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इस 53,000 में से 35,000 का पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, बचा हुआ जो पैसा है उसमें से अपना कमीशन चार्ज करना है। कि सपोज मानो आपका कमीशन होता है 1,000 रुपए का, तो 53,000 में से 1,000 रुपए ये कट जाएंगे
जरिए कर देंगे, बचा हुआ पैसा जो है हम किसको देंगे, राम एंड सन्स को दे देंगे। तो यहाँ पे इसकी भी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे एक वेंडर सस्पेंस नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसकी एंट्री हम लोग लगाते हैं।